अम्मी के यहाँ ही रहता था, तो अम्मी लेके गई है सलाम कराने के लिए। उधर उन्होंने कंजरों ने छीन लिया मेरी अम्मी से मेरा बेटा। हम तो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह हर बंदे के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा बच्चा ले दे हमारा बच्चा, लेकिन कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। मेरा छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ ले गया, कहाँ है। सर आपकी मेहरबानी होगी हमें इंसाफ दिलाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमें इंसाफ दिलाए। हम किस दरवाजे का जाके खटखटाएं, हमें बताए ना। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी दर्दनाक वीडियो है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान का इंसाफ किस तरह, गरीब के लिए इंसाफ के कौन सा है और अमीर के लिए इंसाफ कौन सा है। पाकिस्तान में अमीर का बच्चा अगवा हो जाए तो तमाम अदारे, तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और हर कोशिश करती हैं कि किसी तरह अमीर का बच्चा बाजियाब कराया जाए, ढूंढा जाए उसको। लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं कि गरीब का बच्चा जब अगवा होता है तो पाकिस्तान के अदारे उसको इंसाफ देते हैं या क्या करते हैं। ये हमारी स्क्रीन पर बच्चे की तस्वीर चल रही है, 4 साल का बच्चा है, उसको उसकी नानों के हाथ से अगवा किया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये मेरे कैमरे में जो आपको नज़र आ रही है, ये उस बच्चे की नानो हैं और उस ये उस बच्चे की वालदा हैं और साथ में उसका बच्चे का ये नाना खड़ा नज़र आ रहा है। तो ये ख़ानदान रो रो के रियासत मदीना से के दावेदारों से इंसाफ की भी अपील कर रहे हैं और अपना इनका मुतालबा है कि इनका बच्चा बाजियाब कराया जाए। इनके पास वीडियो मौजूद हैं, इनके पास कार्ड मौजूद हैं जिन्होंने इनको इनके बच्चे को अगवा किया और उनके बच्चे को वो वीडियो भेज रहे हैं इनको और कह रहे हैं कि आप अपना बच्चा ले सकते हैं तो हमसे ले लें। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक बात यह है कि तमाम जो अदारे हैं इनको इंसाफ देने में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि ये गरीब हैं, ये गरीब ख़ानदान है इनका, ये लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हैं और इनको शायद इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। मां जी, ये बताएं कि आपका क्या क्या मतलब है? बड़ी साई गई जे लोर गई शहर पास गई हैं, कोई नहीं बच्चों को इंसाफ लगता है, कोई नहीं पिया जिन्हों के कोल पट्टे पानी उन्हें कैल पट्टे पाल दिन लै दें, कोई नहीं वो भी सोचते पे। बच्चे वाली माँ रोंदी है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मर्जी मैनू बच्चा लै चाहिए है, मेहरबानी मैं थोड़े हाथ बननी हाँ। बच्चे की बहुत मजबूरी है, मैनू मेरी उम्र को नहीं पट्टे पाने, जरा बच्चे पते मैं पानी हाँ बट्टे मेरा बच्चा लभ जाए। दो त्रा मेरा मेरे को रहा सी, मेरा पुत्रिया मैनू खो के मेरे टूटा मार के नस गया है। अच्छा मां जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको बता दें कि आपके बच्चे को किसने छीना आपसे और कौन लोग हैं वो मुल्ज़िम? एक मेरा पुत्र है, दूसरे का लापता है, नदीम दे नाम है, मार के टूटा दे मेरे नस गया मुड़ा लै के दे, बच्चा रोंदा ही रह गया मेरी नानी नानी। वापस आई है मेनू आने बच्चा लिया के दे, मैं तू लिया के दे, बड़ी पासे पजीया कोई नहीं मेरी सुन दे दे। अच्छा मां जी, जिन लोगों ने आपको वादा किया था कि आप हमारी भैंसों को चारा डालें, आपको बच्चा ढूंढ के दे देंगे, वो कौन लोग? कोट बेले देने आन साडे माइते नु लिया देने बच्चा तू कट्टे पा, कोई नहीं उन्हें 2 महीने हो गए ने कोई नहीं गल सुनी, कोई नहीं ने आख के घेरी रोन लग पी अगी तू लिया मैं बच्चा। सुनते ही कोई थाने वाले सुनते ने, किसी पास नहीं सुनी जाती। नाजरीन, कितने अफसोस की बात है कि इस बूढ़ी माँ से इसके जो इसका बेटी का बेटा है उनको ढूंढने के लिए ये इनको कहा जाता है कि आप भैंसों को चारा डालें तो आपका बच्चा हो या हमको ढूंढ कर दे देंगे। लेकिन अफसोस, ये 3 माह उनके डेरे पर काम करती रही, लेकिन अफसोस के बच्चा तो बाजियाब ना हो सका। आज ये रोती हुई जो माँ है आप लोगों के सामने आ चुकी है। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तस्लीम है। तो आप ये बताएं कि आपका बेटा कितने साल का बेटा है और क्या नाम है बेटे का? मेरे बेटे का नाम साहिल बास है, मोहम्मद अफजल उसके बाप का नाम है, और मैं बचपन से ही बेटा मेरी नामी के पास रहा है, क्योंकि मेरी दूसरे पहले हामद ने तलाक दे दिया और दूसरे हामद ने बेटा मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं अपना पहला बच्चा अपनी अम्मी के यहाँ छोड़ गई। तो अम्मी के यहाँ ही रहता था, तो अम्मी लेके गई है सलाम कराने के लिए, उधर उन्होंने कंजरों ने छीन लिया मेरी अम्मी से मेरा बेटा। Ha 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 ha।
हम तो हर जगह जा रहे हैं, हर जगह हर बंदे के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा बच्चा ले दे हमारा बच्चा, लेकिन कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। मेरा छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ ले गया, कहाँ है। चार लोग सर आपकी मेहरबानी होगी, हमें इंसाफ दिलाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हमें इंसाफ दिलाए। हम किस दरवाजे का जाके खटखटाए, हमें बताए ना। नाजरीन, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये ख़ानदान रो रहा है अपने बच्चे को बाजयाब कराने के लिए। पाकिस्तान के इदारों से अपील है, हमारी भी दरख्वास्त है, इस वीडियो को देखने वाले लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पाकिस्तान के कोने कोने में जानी चाहिए कि इस तरह कैसे इंसाफ, गरीब लोगों के लिए इंसाफ कहाँ है और अमीर लोगों के लिए को इंसाफ तो फौरन मिल जाता है। जो बच्चे के नाना हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंकल जी, ये बताएं कि क्या आप, बच्चा आपका अगवा हुआ तो कौन लोग हैं उसमें मुलव्वस, और आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान में? सर मेरी बीवी लह के गई है शराब खरान, दाता साहब उन्होंने बच्चा छीन लिया, एक का नाम है नदीम, असी दूसरा नहीं जानते। तीन बंदे ने, एक औरत है, दो आदमी ने, इन्होंने बच्चा खो के मेरी बीवी ने धक्का मार चलिया सड़क से। खुदा जाने वो किस तरीके बच के वापस आ गई, वो बड़ी ज्यादती हुई है, अपनी बड़ी मेहरबानी है। कोई तो अल्लाह वाला मेरा इंसाफ करो, कोई तो मुझे इंसाफ दवाए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तो रहने की जगह भी नहीं है, कितने मैं बड़ा मजबूर हूँ, बहुत गरीब हाँ जी, मेरी अखा भी जल्दिया रही ने बच्चे ने मगर रो रो के, तो बच्चा नहीं मिलता पाया मैनू, उल्टा वीडियो भेजते ने मैं बच्चा लैके विखाओ, इंज दियाँ गल्लां करदे ने वीडियो भेजते ने सानू, बच्चा लैके विखाओ जे तुहाडे च हिम्मत है, साढ़े कोई हिम्मत नहीं, असी तो अपनी रोटी भी मसा कमा के खाने हाँ पे। बड़ी मेहरबानी होवे जी, कोई मेरे फरियाद सुने ला, मैं हर वक्त यो दुआ करना अल्लाह पाक कोई तो मेरी फरियाद सुने, लेकिन कोई नहीं सुनता पाया। अंकल, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे सुन रहे हैं आपको, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं देना चाहना यही पैगाम के मैं गरीब हूँ, मेरी मदद की थी जाए, आपका खुदा भला करे ना, मैं बहुत मजबूर बंदा वा, तो अखा तू भी रहा जाना, मैं लग मैं कारोबार भी नहीं कर सकता, मेरी रहने की जगह भी कोई नहीं है, मैं किसी के पट्ठे पा के अपनी मजदूरी करके रोटी खाना पिया। मेहरबानी हो बड़ी, दुआ करा दा मैं कि मेरी कोई मेरे से कोई रहम खाए, खुदा वास्ते करके मेरे से कोई रहम खाए, मैं बहुत मजबूर हाँ। अंकल जी, वजीर आजम इमरान खान जो है, उनका एक पैगाम था, एक वादा दावा था उनका कि रियासत पाकिस्तान में इंसाफ का एक निज़ाम होगा, गरीब के लिए भी वही, अमीर के लिए भी वही। क्या आप समझते हैं आप गरीब हैं इसलिए आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? जी मैं गरीब हूँ इस वास्ते, मेरी बड़ी मिन्नत करना, मैं तरला करना कि मैनू भी कोई इंसाफ दवाए, लेकिन मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं हूँ अपने रोंदा फिरना वा जगह जगह से, मैनू इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब ने किया वादा कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा, ना किसी थाने ना कचहरी किसी पास नहीं मिल रहा, मजबूर हाँ गरीब मजबूर हाँ। नाजरीन, ये पाकिस्तान में इंसाफ की सूरत हाल है कि एक गरीब खानदान इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है और इंसाफ मांग रहा है। इनका मुतालबा कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, इनका मुतालबा यही है कि इनके बच्चे को बाजयाब कराया जाए, जिन लोगों ने इनके बच्चे को अगवा किया है वो लोग इनको वीडियो भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड है उनका, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोई भी इनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे इमरान खान ने कहा था कि इंसाफ का एक निज़ाम होना चाहिए, तो ये कैसा इंसाफ है? एक गरीब खानदान जो है वो अपने बच्चे की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के दर दर से ठोकरें खा रहा है और इंसाफ की भीख मांग रहा है। तो हमारी जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आपसे भी दरख्वास्त है हमारी, इस वीडियो की आप आवाज़ बने, इस फैमिली की आवाज़ बने, ताकि इन फैमिली की आवाज़ जो पूरे पाकिस्तान में घूमनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो दो निज़ाम है इंसाफ के वो नहीं होने चाहिए, निज़ाम एक इंसाफ का होना चाहिए, उसमें गरीब को भी उतना ही हक हो और अमीर को भी उतना ही हक हो।